काम मोच फल प्रत्यार्थम नित्य लाभ भगवान प्रीते देव पूजनम अहम करिष्ये वार रविवासर दिनः नव्याम अठ्याम कुमार सर्वाहम पिशध्यम भक्तारि गृहा परमेश्वर अधिष्ठानम पूजनम अहम करिष्ये अनिम भक्तारि पत्थर के सामान पूजनम अहम करिष्ये फिल्म धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्रत्यार्थ पृथ्वी गौर गणेश पूजनम अहम यथालो धर्म करिष्ये छोड़ ॐ गणान्त्वा गणपति गङ्गवामहे सोम प्रेहणा त्वा बृहपति गङ्गवामहे स बहु महम् अहम् जानि गर्वदयम् नो विनायक दक्ष मांगल्य पूजा प्रणमस्तते गजाननम भूत गरादि सेवितम सब दो शब्द बोलकर हमें आशीर्वाद दें ताकि हमने जो पीड़ा उठाई है उस कार्य में हम सफल हो। सबसे पहले मैं रत्नाकर जी को माइक सौंपता हूँ। आप पत्थर मुबारक हो नीरज जी को। एंड फल्लू तो स्टार है ही, अवेश जी भी स्टार है। एंड नीरज जी और रणधीर के लिए बहुत अच्छी चीज ये है कि अब इनकी बैक टू बैक फिल्में हैं और बहुत अच्छी सोच है बेसिकली फिल्म बनाने में। तो इनके पास अब टाइम शायद अब आगे ना हो, तो जो जो लोग हैं इन दोनों के ही पीछे रहे। और बैक टू बैक कहाँ है रंजीत जी, हैं कहाँ रंजीत? और स्क्रिप्ट एंड स्टोरी के लिए बहुत लड़ाई करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बिल्कुल डिस्कशन तो बंद होता ही नहीं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि उसमें क्या होता है कि जो छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत बारीकी से फिल्म बनाने के टाइम पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो ये लोग ध्यान दे रहे हैं। और उसमें अवधेश जी का बहुत बड़ा हाथ है कि कुछ भी है तो अवधेश जी हैं वहाँ, तो उनके हिसाब से वो पूरी जो स्क्रिप्टिंग और स्टाइल जो है उनको, क्योंकि एक कैरेक्टर जहाँ है वहाँ अगर डायरेक्टर नहीं सोचे तो वो एक अलग रूप लेके आती है। आइए अभी तो बोलना, वो खुद ही ऐसे स्टार हैं जहाँ बोली निकलती है वहीं लोग ताली बजाते हैं। आइए बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है आज इस पत्थर के सनम के परिवार की तरफ से। मैं आदित्य जी, अली जी और अमित जी भी इधर ही हैं। अमित जी तीनों पहले मंच पे आए, मंच छोटा है लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। आइए तीनों समा जाएंगे। जिन्होंने जो इस फिल्म से भी जुड़े हुए हैं एक संगीतकार के रूप में, और वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की शान है, बहुत अच्छे निर्देशक हैं रजनीश मिश्रा जी, प्लीज आ पाए। यहाँ पे छोटे बाबा भी यहीं पे मौजूद हैं, कहीं दिखे थे एक बार। इस फिल्म से जुड़े जो लोग हैं वो हैं, और एक बड़ा ही हैंडसम सा इंसान है जो इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी कर रहा है, प्रिंस आरन प्रिंस। आप भी आ जाइए मंच पे, सब समाज आते हैं, सब फल जाएंगे। आइए, फिर जगह ही नहीं बच जाएगा, फिर हम लोग को नीचे जाना पड़ जाएगा। तो कलाकारों का संबोधन मैं कर देता हूँ यहाँ से। देव जी हैं, सुबोध जी हैं, मटरू जी हैं, सबका यहीं से संबोधन कर दे रहा हूँ। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, और स्पेशली थैंक्स बोलूँगा मैं नीरज रणधीर जी को, जिन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए चयन किया। इनके साथ मैं एक फिल्म करने का मुझे मौका मिला था, वो भले उसमें निर्देशक नहीं थे लेकिन इन्होंने जो काम किया वो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनके साथ हूँ। इनका विश्वास मेरे पे जमा है एक अभिनेता के रूप में, और मेरा विश्वास जमा इन पे एक निर्देशक के रूप में। ये दोनों जोड़ी में भोजपुरी में मुझे नहीं लगता कि कोई निर्देशन में है। संगीतकार राजेश रजनीश होते थे, बहुत लोग हुए हैं, लेकिन निर्देशक ये पहले हैं जो जोड़ी में हैं।
तो मैं चाहूंगा कि ये जो माइक है इनके हाथ में दिया जाए, ये हम लोगों के बारे में और इस फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, और इन लोगों ने मुझ पर जो भरोसा किया है, मेरी पूरी टीम ने, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने, और जो हमारे वरिष्ठ निर्देशक और कलाकार लोग हैं, हमें उन लोगों ने जो मुझे शुभकामना दिया, उस सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो सारे बड़े लोगों को मेरा प्रणाम। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में कोई पहली बार आए और पूरी इंडस्ट्रीज उसके साथ हो। आज ये मेरा सौभाग्य है कि पूरी इंडस्ट्रीज मेरे साथ है। मैं सारे लोगों का, सारे जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हम दोनों आदमी मिलकर के एक अच्छी फिल्म को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का प्यार बना रहे। जय भोजपुरी। बैठे हुए थे, दो शब्द बोलिए। सबसे पहले तो आप लोग अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे तो मैं एक एकेडमिशियन हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाई प्रोफेशन, बट मेरा मानना है कि बाई पैशन तो मूवी हर किसी का होता है, और वही पैशन एक है जो आज हम सब यहाँ पे हैं। और आई होप ये पत्रकाशन हम अच्छा करे, हम लोग का एसोसिएशन और अच्छा करे। थैंक्स टू ऑल ऑफ इंडस्ट्री के जिन्होंने अपनी एक फिल्म से भूचाल ला दिया था, निरव हिंदुस्तानी, हमारे सर सबके सर्वप्रिय सतीश जैन जी, आप दो शब्द बोले प्लीज। यहाँ उपस्थित सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, और निर्माता आदित्य जी और उनके सहयोगी निर्माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। नीरज जी को मैं पिछले 2-3 महीने से जानता हूँ, इनके साथ 2-3 बार हम लोग अच्छी बैठक हुई है, और उसे उनकी बातों से ये साबित हुआ कि वो अच्छी सिनेमा के लिए, अच्छे सिनेमा के लिए समर्पित हैं, और ये बहुत अच्छी बात है भोजपुरी के लिए और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कि इनकी फिल्में आए और मैं इनकी फिल्म को सबसे पहले देखने जाऊँ, पहले शो में देखने जाऊँगा। सतीश जी आ गए, उन्हीं के तरफ हमारे एक बहुत ही अद्भुत उम्दा निर्देशक मंजूर ठाकुर जी, जिन्होंने मुझे कभी काम नहीं दिया, उनको मैं जानता दो शब्द बोले। आप मेरे साथ मेरी पहली फिल्म में ही थे, आप ये थे, फिल्म का नाम था पत्थर के जुल्म। की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई। नीरज और रणजीत जी के बारे में मैं डायरेक्ट तो नहीं मिला था, लेकिन एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मुझे एक आर्टिस्ट अपनी शो रील दिखा रहे थे, अपना सीन दिखा रहे थे, और वो फिल्म थी मैथिली में। मैं उसका सीन देखना भूल गया और पूरी फिल्म देखने लगा। फिल्म थी मैथिली फिल्म में, मैंने सबसे पहले उनसे क्वेश्चन किया इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो पता चला कि उस फिल्म के डायरेक्टर है नीरज रणधीर। और मैंने उनका फ़ोन नंबर लेके इनको बधाई दी कि आप बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं, और उसी वक्त बोला था कि आप लोग भोजपुरी में आइए और भोजपुरी फिल्म बनाइए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और उस समय तो मैंने फिल्म देख के फ़ोन किया था। अभी तो यहाँ इनकी भोजपुरी फिल्म पहली फिल्म है, और उसके पहले ही इन्होंने 2-2 फिल्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि कुछ कमाल होने वाला है। और नीरज रणधीर जी को, कल्लू जी को, अधीर जी को स्पेशली मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई हो, और फिल्म के प्रोड्यूसर्स ऑल द बेस्ट। कि मैं मानता हूँ, ये मानते हैं कि नहीं सर, अब दो शब्द बोले। शायद क्यों लगा दिया, शायद मेरे अच्छे दोस्त हैं, आज कंफ्यूज है। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, और जितने लोग आए हुए बैठे हुए हैं, हम लोग को सुन रहे हैं, राजू भैया, बाकी सब लोग को बहुत बहुत प्रणाम, और जो मंच पे विराजमान हैं उन सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। इस फिल्म पत्थर के सनम के बारे में एक शब्द ये जरूर कहूँगा कि ईश्वर इस फिल्म को मील का पत्थर साबित करे। और आज फ्रेंडशिप डे है, फ्रेंडशिप डे के शुभ अवसर पे आई बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हमारे बीच में आ गई, ऋतु सिंह जी,
आइए, वेलकम है आपको, आइए स्टेज पे आइए। बबली गर्ल्स नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो ये नीरज जी और जो रणधीर जी हैं, इनसे हमारी मुलाकात बहुत पहले की है, लगभग साल डेढ़ साल पहले भी हम लोग मिले थे, और काफ़ी गुणी लोग हैं, अपने काम के प्रति समर्पित हैं। एक निर्देशक के जो गुण होने चाहिए, चाहे वो स्क्रिप्ट के ऊपर हो, चाहे म्यूज़िक के ऊपर हो, चाहे वो फिल्म की कास्टिंग डिसाइड करने से हो, कॉस्ट्यूम डिसाइड करने से हो, फिल्म को बनाने से हो, उसके हर एक पहलू से रूबरू हैं। इन्होंने अपना वक्त दिया है और सीखा है बजाते, हम लोग तो लकली कूद गए और भगवान ने मदद कर दी, पर इन्होंने बहुत मेहनत किया है और मेहनत करके पूरी लगन के साथ आए हुए हैं। और जिस तरह का आशीर्वाद आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे इंडस्ट्री के लगभग सब गणमान्य निर्देशक लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हुए हैं, सतीश जी हों, मंजू जी हों, देव भैया हों, राजू जी हों, तो सब यहाँ पे मौजूद हैं, तो मुझे यकीन नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रभु इनकी मदद करेंगे और ये जो चाहते हैं वो बना के लाएंगे। अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक शब्द जरूर कहूँगा कि कल्लू के अंदर एक कल्लू के साथ एक फिल्म मैंने अभी फिलहाल की है, राज तिलक, और इनके अंदर इनके पिता हैं चुनमुन चौबे जी, उनको बड़े गर्व के साथ बता रहा हूँ कि इनके अंदर आप भोजपुरी का अपना एक बहुत बड़ा स्टार देख सकते हैं। और 2019 में ये लड़का कुछ अलग रूप में दिखेगा, बस जितना बड़े हुए उतना विनम्र होते जाइए, यही आपके लिए मेरी ये शुभेच्छा है, और ईश्वर आपको बहुत बड़ा करे। पत्थर के सनम बहुत बड़ी हिट हो, एडजस्टमेंट अगर हो जाए तो देव सिंह और प्रेम दुबे कम से कम आ जाए आप लोग। यार देव जी, आप एक अद्भुत अभिनेता हैं, हम आपके तहे दिल से बहुत फैन है, आप आइए। आप यहाँ पे मौजूद है सामने साक्षात, जो नजदीक होते हैं वो दिखते हैं। दीपक जी आप आइए, आप बहुत सीनियर हैं हमारी इंडस्ट्री के, आप आपका नाम सुनकर के हम लोग बॉम्बे कदम रखे, आप आइए। तो दो शब्द आशीर्वचन में बोले कुछ। सबसे पहले जितने भी गणमान्य लोग आए हैं सबको आभार और सबको प्रणाम, और जो इस फिल्म के निर्माता हैं उनको बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं नीरज जी, रणधीर जी, इन लोगों को। और इन लोगों को एक्चुअली मैं भी बहुत कम दिनों से जानता हूं, लेकिन जितना जानता हूं, अभी हाल में ही हम लोग बैठे हुए थे, किसी सब्जेक्ट पे बातें चल रही थी हम लोगों की, और इनकी बारीकियों को सुना मैं, देखा, और मैं काफ़ी प्रभावित भी हुआ। शायद हो सकता है कि आगे अभी अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये उम्मीद जता रहा हूँ कि शायद हम लोग साथ काम करने वाले हैं। अभी जस्ट 3-4 दिन पहले भी हम लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ डिस्कस किया हुआ है, और बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। सबको निर्माता और निर्देशक जो हैं इन लोगों को शुभकामनाएं, हमारे कल्लू जी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरे महाप्रभु अवधेश जी, और इस फिल्म से जुड़े जितने भी कास्ट एंड क्रू और टीम है उन सारों को, सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद देता हूँ अवधेश भैया आपको। सबसे पहले सबको जय जय भोजपुरी में बोला, जय भी हमारे सीनियर भावग्रह के नमस्ते, और छोटे को शुभ प्यार, बड़ा प्यार। और सबसे पहले रणदीप भैया और नीरज भैया को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक तो उनको लगा कि मैं उनके कॉन्सेप्ट पे काम कर सकता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ मैं म्यूजिक इसमें नहीं कर रहा हूँ, इसमें हमारे साथ हमारे बड़े भाई रजनीश भैया भी हैं, तो मिलजुल के हम लोग काम करेंगे, और ये सहयोग उनका रहेगा जरूर, मैं कुछ ना कुछ उनमें मिलजुल के हम लोग अच्छा काम करेंगे ये इस कॉन्सेप्ट पे। और बाकी बस थैंक यू, जय बोल। उपस्थित जितने भी हमारे लोग यहाँ पे हैं सबको सबसे पहले प्रणाम नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पिक्चर में एक बहुत अच्छा रोल कर रहा हूँ मैं, और अवधेश जी इस बात से बहुत खुश है कि मैं कर रहा हूँ, और ये जोड़ी बहुत हिट जोड़ी है कल्लू जी की और रुपी जी की, लेकिन मैंने पहले भी काम किया है, और ये फिल्म भी बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, और पत्थर के सरम के लिए इतना बोलूँगा बेस्ट ऑफ लक। सबको बोलना उचित भी लगता है और आवश्यकता भी है,
मैं चाहूँगा कि इस फिल्म के हमारे विलेन हैं जो हमारे प्रेम के विजय दोषों को प्लीज़ हम सब के भाई। सबसे पहले हम इस फिल्म के पत्थर के सनम के डायरेक्टर नीरज रणधीर जी को शुभकामनाएं दे रहा हूँ और इस फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य झा पायल जी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पूरी टीम को, इस फिल्म के जितने भी टीम के मेंबर्स जुड़े हुए सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बस जय भोजपुरी। नायक जिन्होंने हम सबको बहुत पीछे छोड़ दिया, एक खलनायक के रूप में देव सिंह जी कुछ बोले, देव दिया भाई है। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं बहुत छोटा हूँ आप सबके सामने, यहाँ सब दिग्गज लोग हैं, तो मैं इतना ही जरूर कहूँगा कि बस आप सब मुझे अपना प्यार देते रहे और मुझे मौका देते रहे कि मैं उसको ईमानदारी से करूँ, निभाऊँ। मैं सीखने के लिए अलग रखता हूँ, सीखने की चाहत है मुझे, तो मैं अवधेश जी हैं, दीपक जी हैं, हमारे जितने सीनियर सेक्टर हैं, हमारे जितने भाई हैं, सुबोध हैं, प्रेम जी हैं, उनके साथ भी रह के कुछ ना कुछ सीख ही लेता हूँ। कल्लू जी के साथ तो ऐसा हो गया कि रब्बा इश्क ना होवे में मैं कल्लू जी, रितु जी, हम लोग साथ में थे, अवधेश जी थे, तो वो एक ट्यूनिंग बनी है कहीं ना कहीं, एक अच्छा लगता है काम करने के, लगता है सब लोग घर के हैं। और एक जब हम काम करते हैं उस समय तो ऐसा लगता है कि कहते हैं कि माहौल ऐसा होता है कि जहाँ बिल्कुल कंफर्ट फील करते हैं, तो मैं बिल्कुल कंफर्ट फील करता हूँ वहाँ पे। और मेरे जितने यहाँ पे निर्देशक जी हैं, मैंने लगभग सबके साथ काम किया है, सतीश जी हैं, राजू जी हैं, मंजू जी हैं और हमारे रजनीश जी हैं। भोजपुरी में मैंने पहले बहुत काम किया, लेकिन मेरी मुझे जो पहचान मिली वो सेहरा बांध का हूँ एक फिल्म थी, उससे मुझे मेरी पहचान हुई। और उसके निर्देशक थे रजनीश जी, प्रोड्यूसर थे प्रदीप भैया जी, मैं उन सबका बहुत बहुत आभार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ हमारे अवधेश जी का, जिन्होंने मुझे वो मौका दिया ताकि आप सबके सामने मैं अपने आप को एक बार और से अलग अलग फिल्मों में प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। हमारी एक फिल्म और है आ रही है संघर्ष, जिसके निर्माता हैं हमारे रत्नाकर जी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है, 24 अगस्त को रिलीज हो रही है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ आप सब हमको अपना प्यार देते रहें और मैं इसी तरह अपनी पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूँगा। दो शब्द बोले आप। सबसे पहले तो यहाँ जितने लोग आए हैं सबको मेरा नमस्कार, जितने भी मीडिया से आए हैं सबको नमस्कार। हमारे इस फिल्म से अवधेश जी जुड़ रहे, इतने बड़े स्टार हैं, भोजपुरी इनके बिना अधूरा है। कल्लू जी हैं जो अपने आप में बहुत ही नौजवान और मतलब जुनूनी एक हीरो है। और ये कंटेंट लेके जो हमारे डायरेक्टर साहब नीरज जी और रणधीर जी आए, तो मैं एक ही बात बताऊंगी कि ये कंटेंट सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि ये मतलब ये भोजपुरी जगत का, अभी जो मैं एक महिला होने के नाते मैं ये बोलूंगी कि आज भोजपुरी में जो महिलाएं कम जा रही है वो ये पिक्चर देके महिलाएं लोग काफी जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएंगे, क्योंकि वल्गरिटी ज्यादा हो रही है भोजपुरी में। ये पिक्चर हमारे नदिया के पार को फिर से याद दिलाएगा। थैंक यू सो मच। एक बड़े सज्जन इंसान है जो इत्तफाकन कल्लू जी के पिताजी हैं, मैं चाहूंगा मंच पे बुलाऊं। हमारे निर्माता की श्रेणी में हमारे इस फिल्म से जुड़े हुए दो ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक अपने मुखारविंद से कुछ बोला नहीं। सबसे पहले मैं अली भाई से आग्रह करूंगा कि दो शब्द बोले जरा, ये बड़ा अच्छा बूस्टअप करते हैं अली भाई, कल हमें भी बहुत बूस्टअप किया था इन्होंने, बोलिए। सबसे पहले तो आए हुए सारे मेहमानों का हेलो, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे मेहमानों का और भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहता हूँ कि हम तीनों ही पहली बार मुंबई आए हैं और आप लोगों ने जैसे गले लगाया है हम तो अपना घर भूल गए हैं। सबने बहुत ही प्यार से हमें एक्सेप्ट किया है, तो इंशाल्लाह अब हम आते ही रहेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए दुआ करें। थैंक यू। यहाँ आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और हम तीनों बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बचपन से एक पैशन रहा है सिनेमा के प्रति। और खास के हमारे नीरज भैया और रणधीर भाई, जिनसे हम लोग एक शहर के हैं
और भैया को जब हम मैट्रिकुलेशन करने के बाद मुजफ्फरपुर आए तो पिछले 30 साल से भैया से जुड़े हुए हैं, तो चर्चा चलती रहती थी जब कुछ ना कुछ किया जाए। जैसे ही हम लोगों को थोड़ा सा स्पेस मिला अपने प्रोफेशन से, पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ दिल्ली में, तो थोड़ा सा जैसे ही मुझे स्पेस मिला, टाइम मिला, भैया लोग थोड़ा सा यहाँ हो गए, तो किया जाए एक शुरुआत किया जाए। तो आप सभी को इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली अर्देश भैया का। मेरी वाइफ को जब मैंने आज एक पिक्चर भेजा भैया के साथ, तो बोलते हैं कितना मासूम बैठे हुए हैं ये, जो दिखने में जैसा मासूम है। 2-3 पिक्चर मैंने भैया का दिखाया था तो बोले जो ये तो है ही नहीं। तो आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक कि आज हम यहाँ उपस्थित है अध्यक्ष भैया की वजह से, थैंक यू। अच्छे अंदाज में थैंक यू अध्यक्ष भैया। आज चूंकि फ्रेंडशिप डे है और मेरी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ खड़े हैं, जितने भी भाई जो दोस्त हैं सब लोगों को शुभकामनाएं फ्रेंडशिप की। और चूंकि कल्लू की ये फिल्म है तो मैं तो हमेशा से मेरे लिए स्पेशल रहा है ये पत्थर के सनम, बहुत बड़ी हिट हुई है, शुभकामनाएं है। और इससे ज़्यादा रणधीर जी को और नीरज जी को बधाई देता हूँ। हिंदी इंडस्ट्री में तो बहुत सारे डायरेक्टरों ने, दो तीन डायरेक्टरों ने मिलकर फिल्म डायरेक्ट किया है, बट ये भोजपुरी सिनेमा के पहले ऐसे दो डायरेक्टर होंगे जो दोनों मिलकर एक अच्छे फिल्म बनाएंगे और शायद इस फिल्म को मील का पत्थर साबित करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, और बाकी सारे लोग आए हैं तो इसके लिए आप सभी लोगों का भी बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरे मित्र और बड़े भाई रणधीर जी को और नीरज जी को बधाई दे रहे हैं। थैंक यू, फिल्म हमेशा देते रहे, थैंक यू। दो शब्द बोलिए। सबसे पहले हमारे पीआरओ साहब आए हुए उदित भगत जी का स्वागत करता हूँ कि वो जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। पीआरओ इंटरटेनमेंट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि पत्थर के सनम को कवरेज कर रहे हैं, और आप सबकी दुआएं हमारे फिल्म सिनेमा के जुड़े तमाम लोगों से, ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित होगी। और मैं कुछ इसी साल से देख रहा हूँ, इस बच्चे में एक स्पार्किंग आई है, एक जुनून आया है, और इस बच्चे में कल्लू में अभी तो बूढ़े हो गए हो, कल्लू 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 बहुत दिनों से सुनते आ रहा हूँ और देखते आ रहा हूँ, मेरी मुलाकात पहचान है ही है। और थैंक्स टू पापा चिमुन भैया, आपका होनहार बच्चा, हमारी ख्वाहिश है कि आपके बच्चे का नाम तीनों त्रिलोक में उसका नाम का टंका बजता रहे। और विलन सर चंडाल स्वामी, वो उनका गोल्ड मेडल है उनके लिए, अगर वो चंडाल स्वामी उनको कह रहे हो तो उनका मेडल सर, दे आर एक्सलेंट इन एक्टिंग, दे आर रियल एंटी हीरो विलन्स, दे आर रियल हीरोज, क्योंकि वो अपने चंडाल स्वामी पर जब दिखाएंगे तभी तो पर्दे पे फिल्म देखने वाले लोग तालियां बजाएंगे। थैंक्स टू एंटी हीरोज ऑल विलन्स एंड महाप्रभु अवधेश मिश्रा जी, थैंक यू। उम्र में हमसे 17 साल छोटे हैं, दिखते बड़े हैं। मैं चाहूंगा एक आदमी को और बुलाऊं मैं मंच पे, जो छुप के बैठ जाता है, इस फिल्म का सिनेमाटोग्राफर हमारे आर.आर. प्रिंस जी, तो बोलते कम है सुनते ज्यादा है, लेकिन आज बोलेंगे भी और सुनने हैं। 2 जुलाई 1997 से इस प्रोफेशन में हम लोग हैं, और सबसे पहला कैमरा हमने भैया का फेस किया था, आज इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है एज ए डायरेक्टर और कैमरामैन, थैंक यू भैया, थैंक यू। सबको धन्यवाद, मजा आया, ठीक है, मजा तो अभी आएगा, अभी आएगा, अभी है, डोंट वरी, बाबू साहब की आवाज है, इसके बाद भी है भाई, बाबू साहब की आवाज। सबको धन्यवाद यहाँ पे आए, और ये कमाल की फिल्म बन रही है, और चलिए थैंक यू, ऐसे ही बोल दीजिए, थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग और सबको तहे दिल से प्रणाम सबको, क्योंकि काफ़ी सीनियर्स लोग आज इकट्ठा हुए हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू अवधेश जी, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और बहुत एक रिस्पेक्ट है मेरे लिए कि हम साथ में खड़े हैं, और न जाने 4-5 मूवीज मैंने तो कर ली है। और बहुत मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पे आए सभी DOP, सभी डायरेक्टर्स का, सभी एक्टर्स का, और सभी हमारे कलाकारों का जो एंटी हीरोज हैं, हीरोज हैं, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ यहाँ पे, हम सब हैं, और खासकर मैं, क्योंकि आप लोगों को देखे कहीं ना कहीं मैं सीखी हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ, थैंक यू सो मच। और यही कहना चाहूँगी कि ये मूवी जो बन रही है पत्थर के सनम, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं
कल ही मुझे ब्रीफ दिया गया, रणधीर जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और सबसे मीटिंग हुई। हालांकि मैं फिल्म को करना चाहूंगी और कोई भी एक्ट्रेस आप कर रही करना चाहती, क्योंकि ये डिजर्विंग है, एक बहुत बड़ा अपने आप में एक मिसाल होगा और ऑब्वियसली मैं करना चाहूंगी। और आप कर रही हो यार। ओके आई विल डू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द होल टीम। और आज बहुत लकी डे है, हर हर महादेव का भी दौर चल रहा है और फ्रेंडशिप डे का चल रहा है। चंदन जी द डायरेक्टर इज माय फ्रेंड, कल्लू जी बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे और हमने बहुत हिट मूवीज दी है ना, रबाइश न होए और सरकारी लोग खटिया जाना लगे, जिसमें अवधेश जी मेरे पिता का पिता की भूमिका निभाए हैं। बहुत अच्छा लगेगा मुझे और बहुत ढेर सारी बातें करने के लिए, लेकिन मैं अभी ये कहना चाहती हूँ कि ऑल द वेरी बेस्ट मुझे और पूरे टीम को, अच्छा करेंगे, रॉक करेंगे और अपनी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। एक सज्जन हमारे बीच में मौजूद हैं, वो अभी तुरंत ही यहाँ पे एंट्री लिए हैं, मुकेश भट्ट जी। मैं चाहूंगा कि वो ये नीरज भाई और ये हमारा रणधीर और मैं एक ही होम टाउन के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, एक मोहल्ले, बचपन से साथ में पला बढ़ा, पढ़ाई की, सब कुछ किया। आज मुझे इतना फख्र महसूस हो रहा है कि मेरा भाई एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा है। इट्स ए ग्रेट मोमेंट इन माय लाइफ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज कि मेरा भाई आज एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा है। ये आज सुबह जब मुझे इन्होंने बताया तो मैं इतना खुश हुआ कि मेरा भाई एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा है जिसका नाम है पत्थर के सनम। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इनको बहुत बहुत बधाई है और इस टीम को बहुत 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 बधाई है, ऑल द बेस्ट। और हर हर महादेव, जैसा कि अभी इन्होंने कहा, सावन का समय चल रहा है, भोले बाबा का समय है, तो फिल्म डेफिनेटली अच्छा वर्क करेगी। और ये लोग बहुत पैशनेट लोग हैं, बहुत एक एक सीढ़ी, एक एक कदम चल चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो 100% ये आपको अपना बेस्ट देंगे। और तो इनको आप लोगों के तरफ से भी इनको मतलब बहुत ज़्यादा बधाई भेजिए, इनकी फिल्म देखिए और इनको शुभकामनाएं दीजिए कि इनका फिल्म अच्छे ढंग से बने और लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। जैसा कि मैं तो इस फिल्म के बारे में उतना जानता नहीं था, मुकेश ने मुझे कहा, तो मुकेश मेरे मित्र हैं और उनके मित्र एक फिल्म बना रहे हैं, तो मेरी तरफ से पत्थर के सनम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। एनीवे सर, आई वुड लाइक टू विश बोथ द डायरेक्टर्स, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत दिमाग खाते हैं, कॉस्ट्यूम को लेकर स्पेशली लोग बहुत तंग करते हैं, और मेरे राइट हैंड साइड पे जो एक्टर है बहुत खतरनाक है, जिस फिल्म में ये होते हैं तो मेरी मेहनत डबल कर देते हैं। एनीवे कोई कंप्लेन नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे एसोसिएट हूँ विद रितु जी, कल्लू जी एंड अवधेश मिश्रा जी और जितने भी सारे लोग यहाँ पे मंच पे हैं, और स्पेशली मेरे बहुत सारे मित्रों, बहुत सारे दोस्त लोग जो यहाँ ऑडियंस में बैठे हैं, जो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, सब कुछ है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कल्लू जी के साथ वापस काम कर रहा हूँ, रीति जी के साथ रेगुलर करता हूँ, अवधेश जी तो होम प्रोडक्शन है। डायरेक्टर्स द बेस्ट पेयर 2018 की अचीवमेंट अगर है तो ये लोग है, दे ये दोनों, मतलब आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट थिंग भोजपुरी इंडस्ट्री को 2018 में मिला है, और वो है ये दो पेयर। This is the best pair we have now, and I wish them best of luck and all the best. बहुत प्रणाम और हर हर महादेव, श्रावण का ये महीना चल रहा है और भैया मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, थोड़ा सा बहुत सदमाता हूँ और दस भैया थोड़ा जबरदस्ती बुला लेते हैं, खाली मारपीट कराता हूँ, बस बस यही काम है मेरा। और मैं भगवान से यही मना करूँगा ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हो और पत्थर के सनम, वाह क्या नाम है, मैं तो सोच रहा हूँ अब भी उल्ट के गिरते उतार से। मेरे यहाँ काम अच्छा है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, हर हर महादेव, शुभकामनाएं कि वो अच्छी फिल्म बनाए और लोगों तक वो मैसेज पहुँचाएंगे, जब मुझे इसका एहसास है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों। Thank you.
सबसे पहले पत्थर के शर्म के मुहूर्त में आए सभी बड़े गार्जियन, सीनियर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डीओपी, टेक्नीशियन, जितने सारे लोग उपस्थित हुए सबको मेरा सादर प्रणाम, बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। और आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़ी सौभाग्य की बात है कि सावन के पावन महीने में भोले बाबा के दिन आज हमारी एक फिल्म, बहुत ही अच्छी फिल्म का मुहूरत हुआ। और थैंक यू बोलना चाहूँगा नीरज सर और रणधीर सर को, जो आपने इस लायक मुझे समझा कि पत्थर के समय में मैं इस रोल को अदा कर सकूँगा अच्छे से। तो हमारे सारे प्रोड्यूसर सर को भी थैंक यू सो मच। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम पत्थर के सनम की पूरी टीम मिलकर भोजपुरी ऑडियंस को एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म दें जो कि सारी पब्लिक इंटरटेन करे। और ऐसे ही आप लोग का आशीर्वाद प्यार इस छोटे भाई भतीजा कल्लू पे बना रहे। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे प्रभु अधेश मिश्रा जी को कि आपके वजह से आज मैं इस मन से कुछ बोल भी रहा हूँ या कुछ अच्छी अच्छी फिल्में, जैसे देव सर ने बोला कि कुछ सालों से देख रहा हूँ कि तुम अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हो, तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे अवधेश मिश्रा जी का है। तो थैंक यू सो मच और इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आवारा बलम के बाद पत्थर के सनम, कुछ बताना चाहते हैं आप इस फिल्म के बारे में? तो सबसे पहले आप अगर अपने किरदार के बारे में बताएं, मुझे पता है आप कहेंगे कि बहुत अच्छा है, आप फिल्म के बारे में बताएं जिसके बारे में आप कहेंगे कहानी अलग होगी, इसके अलावा कुछ बता दीजिए। सबसे पहले तो आप सभी को मैं अरविंद अगला कलू बार बार प्रणाम करता हूँ। और ये जो आज हमारी फिल्म की मुहूर्त पत्थर के सनम, जैसे कि अनंत जी ने बोला कि मैं बोलूँगा कि इसमें मेरा करेक्टर अलग है, फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। और स्टोरी के बारे में बस मैं यही कहूँगा कि एक फुली लव एंड रोमांटिक फिल्म से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों युवा जोड़ी यहाँ पे बगल में बैठी हुई है और इधर भी युवा जोड़ी बैठी हुई है, तो आप लोगों को इसमें बहुत ही एक अलग किस्म का लव देखने को मिलेगा। नीरज रणधीर जी ने जैसा कि स्क्रिप्ट सुनाया है, कुछ अलग कुछ अच्छा देखने को मिलेगा आपको। नहीं, कोई कुछ भी लेना देना नहीं है, एक अलग कहानी है। और पत्थर के सनम पुरानी फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में ये टाइटल जो है ना, पत्थर के सनम, ये सार्थक है इस कहानी को लेकर के, कि जो सनम होते हैं वो पत्थर के ही होते हैं। और जब उनको पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी से हमारी गर्लफ्रेंड जा चुकी है, तो उनको बड़ा इस बात की ग्लानी होती है, फिर उसके पीछे जाते हैं, फिर कहानी में एक चेंजेज आता है। उस फिल्म से कुछ लेना देना नहीं है, ये कहानी के हिसाब से इस टाइटल को रखा गया है। ऐसा नहीं कि एक टाइटल मिल गया तो रख लिया गया, बड़े सोच समझ के उन्होंने, हमारे निर्देशक जो हैं नीरज रणधीर जी, उन्होंने इसका नाम रखा है पत्थर के सनम। पत्थर के सनम में बतौर कल्लू की जो कास्टिंग है, लीड एक्टर के, यही जस्टिफाई है। एक चुलबुला सा आदमी जिसके पीछे लड़की पड़ जाती है, और कहानी फिर मैं बताऊंगा नहीं तो फिर डीपली बताना शुरू कर दूंगा। तो जो कैरेक्टर है, और कल्लू में इतनी प्रतिभा है, अभी इतनी प्रतिभा समाहित है, ये अनुमान है, इसको भी नहीं मालूम है कि इसके अंदर कितनी प्रतिभा है, बस निकालते निकालते निकलती है और निकलती चली जा रही है। अभी जिस रेस में ये शामिल हो चुका है और जिस रफ्तार से ये दौड़ रहा है इस इंडस्ट्री में, तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में शायद इंडस्ट्री में इस इंसान की एक बहुत बड़ी पकड़ होगी और इतनी मजबूती होगी जो इंडस्ट्री को और मजबूत कर दे। तो कल्लू से कुछ भी कराया जा सकता है, तो इस फिल्म में हीरो ही है, और हीरो इतना खूबसूरत हीरो कहाँ मिलेगा, तो हीरो की भूमिका है। हाँ, बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। और मैं बहुत, जो स्टोरी की बात भी की जाए अगर, तो कॉन्सेप्ट अलग कुछ भी होता नहीं, कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं ना कहीं मिल ही जाती हैं, बट ये एक लव स्टोरी है और टाइटल जो है वो बिल्कुल जस्टिफाई होती है। और कल्लू जी के साथ ही मेरी शायद 5वीं मूवी है, तो जैसा अवधेश जी ने बोला कि अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करना कैरेक्टर का सबसे बड़ा एक काम है और जिम्मेदारी भी है, तो ही विल जस्टिफाई ऑब्वियसली। और ये
अच्छा, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस स्टोरी को लेके बेसिकली, और जो कास्टिंग हुई है वो जो डिजर्विंग लोग हैं उनको लेके ही कास्टिंग हुई है, वो जो कर सकते हैं, जो इमेजिनेशन में जो चीज़ें आती हैं, जो लोग चेहरा आता है हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने उनको ही कास्ट किया है, इतना मैं जानती हूँ। नहीं, घर वापसी घर से मैं गया ही नहीं था, मैं घर में ही था। यहाँ पे काम तो पॉजिटिव करता है लेकिन हरकतें ऐसी उसी नेगेटिव हो जाती हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अपने सिद्धांत पे अडिग आदमी है, थोड़ा ज़िद्दी है, अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता है। उसी क्रम में अपनी पत्नी को भी घर निकाला कर देता है, पत्नी भी चली जाती है बेटी को लेके। अच्छा कैरेक्टर है लेकिन है पर्सनालिटी भाई, ये एक राजा है, राजा का जो एटीट्यूड होता है उसको मेंटेन करता है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठे नहीं गई उस चीज़ को परिभाषित करता है। बेटी से नफरत करता है जिसकी वजह से उसकी माँ बेटी को लेकर के हमसे बहुत दूर चली जाती है। तो हाँ, स्टोरी नहीं है, ढूंढते रह जाएंगे स्टोरी। और एक चीज़ बताऊँ, अभी तक आपने बोला कि ये कहानी अलग है, ऐसा एक्टर बताते हैं, मैं बताऊँ ये वाकई अलग है। शायद इस तरह की कहानी मैंने सुनी नहीं थी, और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सबका, जितने भी इसमें एक्टर्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं उसके सारे के। अलग शब्द तो वाकई बड़ा सिमिलर सा हो गया है, लेकिन फिल्म यूज टू हो गया है, जो कलाकार भी बोलते हैं डायरेक्टर भी बोलते हैं, अलग अलग नहीं होता। ऋतु जी ने बोला सिनेमा सिनेमा है, कहीं ना कहीं से परिभाषाएं मिल जाती हैं, और सच पूछिए तो सिनेमा की कोई परिभाषा नहीं होती है, जो नज़रों को भाए वही अच्छा है। कल्लू जी, फिल्म अलग होगी, चलिए मैं मानता हूँ, नीरज रणधीर जी ने जो हमारे सर इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जब ये कहानी नरेट कर रहे थे, जब सुना रहे थे, तो जैसा कि हमारे प्रभु बोले कि लोग बोलते हैं अलग है अलग है, लेकिन ये वाकई अलग एक कॉन्सेप्ट है। तो इस फिल्म का हीरो अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट है, और जितने सारे एक्टर्स में काम करेंगे सबके अलग अलग करेक्टर है। और रही बात लुक की, तो हमारे नीरज और रणधीर सर जो भी बोलेंगे कि ऐसा लुक लेना है, ऐसा आपको करना है, तो मैं हमेशा रेडी हूँ, और अपने फिल्म के लिए, अपने दर्शकों के लिए जो भी लुक लेना होगा मैं डेफिनेटली ले लूँगा उस पर लुक पर। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि भोजपुरी फैमिली में नया नाम जुड़ गया अनिता। अच्छा जवाब, मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने बहुत सारा काम कर लिया, बट कल्लू के साथ मेरी दूसरी मूवी फर्स्ट हमने राजतिलक करी थी, और जहाँ से शायद मैंने कल्लू को बहुत ज़्यादा जान लिया एज एन एक्टर और एज अ डांसर एंड एज अ, मतलब वो खुली किताब है एक तरीके से कहा जाए तो, खुली किताब है वो, एक बच्चा भी बोल सकते हैं उसे, और हमारी इंडस्ट्री का यंगेस्ट स्टार हम लोग बोल सकते हैं उसको। एंड मिश्रा जी के बारे में क्या कहूँ, वो तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री के बाबा कहे जाते हैं। एंड जो मैं ज़्यादा इनके लिए नहीं बोलूँगी, नहीं तो ये सारे माइक मेरे ही सर पे मार देंगे। एंड जो अभी हम लोग मूवी करने जा रहे हैं पत्थर के सनम, एक नाम में ही इतना वजन है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि मूवी कैसी होगी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मूवी को सुपर हिट बनाए और लगन से काम। अच्छा बैठे, और कब शूट करेंगे, कहाँ शूट करेंगे, इसके बारे में कुछ ये फिल्म की शूटिंग सितंबर में होगी, और इसकी शूटिंग हम लोग यूपी में करेंगे, खलीलाबाद में, लखनऊ तो बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ की हमारी भाषा है, जैसे भोजपुरी भाषा बोलते हैं, बिहार यूपी की भाषा है, तो हम लोग रियल लोकेशन पे जाके करेंगे, तो एक अलग अनुभव रहेगा और मज़ा आएगा ये फिल्म करके। और उम्मीद करते हैं कि जब भी ये हमारी फिल्म रिलीज होगी पत्थर के सनम, तो आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आएगी। देखिए वो लोग बड़े गुणागणित करते हैं, सीए मतलब बहुत गुणागणित वाले होते हैं, और एक बड़े ठोस परिणाम पे पहुंचते हैं, अपने क्लाइंट को ही पहुंचाते हैं। जब वो खुद ही इतना गुणागणित करके इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो समझ सकते हैं कि कितने सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक ये तीनों हैं, और इन तीनों की तिकड़ी ने कुछ अलग ही रंग लिया है इस फिल्म में। उनका बिलीव है इस इंडस्ट्री पर, और शायद हम सब का ये
फर्ज बनता है कि उनके इस बिलीव को और मजबूत करें। हम सब अपने अपने लेवल पे यही कोशिश करेंगे और ऊपर वाले से यही दुआ मांगेंगे, हम दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि उनकी इस कोशिश को सफल करें, क्योंकि इससे ये दो कड़ी जुड़ रही है। एक तो नीरज रणधीर की जोड़ी है एज ए डायरेक्टर, इसमें पहली फिल्म है उनकी, उन्होंने दूसरे लैंग्वेज फिल्में बनाई हैं, बड़े गुणी आदमी हैं, और ये हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इस प्रोफेशन में आए हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको अपनी ईमानदारी पूरी तरह से 100% देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये निराश ना हो, बस हमारी यही कोशिश रहेगी। यही कहना चाहूँगी कि अभी तक आप लोग के आशीर्वाद से जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरी सारी मूवीज़ को सुपर हिट बनाया है, प्यार दिया है। जैसा कि हम सब अवेयर हैं कि मीडिया जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जितना कमेंट्स आता है, ऑडियंस का प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वो देखना चाहते हैं कि हमारी अपकमिंग अपडेट्स क्या है। तो मैं आशीर्वाद वही आशीर्वाद मैं वापस से दरख्वास्त करती हूँ कि इस फिल्म को दें, बिकॉज ये डिज़र्विंग फिल्म है, और जो डिज़र्विंग फिल्म है, डिज़र्विंग कॉन्सेप्ट है, उसको तो मिलना ही चाहिए। जो नहीं डिज़र्व करती है उसको गालें पड़नी भी चाहिए, कि जो हम एक एक्टर्स हैं और ऑडियंस बिल्कुल फ्री है, और फ्रीडम उसको है ऑब्वियसली अपने कमेंट्स देने के लिए, अपने प्यार देने के लिए। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि इस फिल्म को इंतज़ार कीजिए और जाके सिनेमाघर में देखिएगा, फिर अपने कमेंट्स दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। दैट्स इट। अच्छा, कल्लू जी की शादी होगी, अभी तो ये बच्चे हैं, खुद ही शादी जब होगी तो फिर सब इनवाइटेड हो गए, आप भी होंगे। हीरोइनें छोड़ेंगी तब तो शादी कर पाएंगे, पूछना पड़ेगा आपके पापा से। ये हमने सुना था ऐसे कहीं, YouTube आजकल खबरों का बड़ा भंडार है, जहां से खबरें आती रहती हैं कि कल्लू जी की शादी होगी, इनके पिताजी ने लड़की ढूंढना भी शुरू कर दिया है, आपको कुछ खबर है इस शादी के बारे में? सर, जब हम भी शादी करने के चक्कर में लगे हुए हैं तो मैं इसकी खबर नहीं कर रहा। राइट, हम खुद ही अपने लिए दुल्हनियाँ ढूंढते रहते हैं। अच्छा, एक बार फिर से शादी करना चाहते हैं? एक बार नहीं है, शादी की कोई सीमा रेखा थोड़ी है। जब तक अच्छा, सीमा और रेखा दोनों नहीं है, सीमा रेखा दोनों नहीं है, या तो बाकी सब है। आप बताइए कि शादी करने के इरादे रख रहे हैं और जो शादी आगे क्यों? इसलिए कि अभी जवानी अभी तो शुरू हुई है हमारी, अभी हम कदम रखे हैं अपने इस उम्र में कि हम शादी करें, हम थोड़े से अनुभवी हो गए तब तो शादी कर लें। अच्छा, जब ये सारी बातें हैं, आप अंडमंड बोलते हैं, कहते हैं, तो आपकी पत्नी कभी देखते नहीं है? नहीं, वो लाइफ देख रही है, वो खुश होती है। लाइफ पापा उनका बिलीव और जम जाता है, उनका बिलीव जम जाता है। हाँ, तो मैं पत्नी के साथ छल करता हूँ भरोसा कायम करने के लिए। नहीं, मस्ती मजाक में सब खुश रहते हैं, ये लास्ट में ये लाइन ये नहीं कहते कि मस्ती मजाक ना, हमें पता है, हमें पता है, हम साथ में काम करते हैं, पता है। अरविंद, अरे कुछ सुनाना चाहते हैं आप ऑडियंस को? बहुत सारे लोग आपसे सुनना चाहते हैं, आप गाते भी बहुत अच्छे हैं। सर के सनम तो एक रोमांटिक प्लस सैड सॉन्ग सुनाना चाहूँगा, जो कि हमारी अभी जो हाल ही में फिल्म रिलीज हुई थी आवारा बलम, उसी में ये गाना था और मेरा दिल के बहुत करीब वो सॉन्ग है, तो आप लोग के बीच शेयर करना चाहूँगा। तो बच्चा बच्चा बोल के हमको बच्चा बना दिया लोग, तो चलिए अच्छा है, बच्चा में ही बच्चा मन का सच्चा बोलते हैं, तो मैं बहुत मन का सच्चा हूँ। मीडिया वाले लोग कुछ लाइनें लिख के मुझे कच्चा बना देते हैं, तो आइए एक सॉन्ग सुनाते हैं आप लोग को। यही मेरी दुनिया बना दीजिएगा, देखिए एंड ऑल एंड ऑल। ये हमारे बहुत 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 अच्छी दोस्त हैं, इसलिए क्योंकि देव के फोन कर लो, ये जहाँ मेरा होम टाउन है वहाँ से ये बिलोंग करती हैं, तो खास करके इनसे मेरा कुछ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी दोस्त है, रिलेशन है। और शादी की बात जहाँ तक चली थी, तो आप लोगों ने शादी का जो न्यूज चलाया था, मैं कहना चाहती हूँ, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, मेरी फिल्म में अभी तक के करियर में सबसे पहले वैष्णव में एक शादी का सीक्वेंस था, पहली बार मेरी फिल्म में एक फिल्मी शादी होती है, और ठीक है, इट्स ओके, मीडिया में जो पब्लिक समझती नहीं है, हुआ कि कल्लू और रितु की हुई शादी, और काफ़ी लोगों ने सच मान लिया कि सच में शादी हुई, हमारे पिताजी भी सच मान गए, इनके पिताजी भी को सच मान लिए, इनके गाँव घर के लोग समझ नहीं पाते। तो मैं मीडिया से ये दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ लेकिन
और रही बात, ठीक है, अच्छा लगता है शादी का न्यूज अगर आता है तो चलिए रियल में शादी नहीं हुआ लेकिन फिल्म में ही शादी होता है, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। रूप ऐसे है कि ये बहुत दिनों से हम लोग जानकार हैं, ये बहुत पैशनेट है फिल्मों को लेकर और भोजपुरी फिल्में काफ़ी देखते हैं, तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट सुनाया है, एक कंसेप्ट सुनाया, इन लोगों को बहुत अपीलिंग लगे और फिर इस शुरुआत हुआ। फिल्म हम लोग लेके जा रहे हैं सितंबर में, आफ्टर 15 15 के बाद हम लोग फिल्म लेकर के जा रहे हैं 15 सितंबर के बाद, और फिल्म को कह रहे हैं, पूरी फिल्म हमारी यूपी में जा रही है खलीलाबाद। लोकेशन हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से वहाँ लोकेशन मिले। वैसे ये फिल्म, इस फिल्म का कुछ पार्ट लखनऊ में भी है, कुछ गोरखपुर में है। मैं चाहता हूँ, हम लोग की सोच है कि ये भी है कि भोजपुरी की फिल्में हैं तो भोजपुरी बेल्ट में करूं तो वहां के लोगों को भी थोड़ा रोजगार मिले, वहां के कलाकारों को भी पहचान मिले, मौका मिले, तो इस व्यू से भी हम लोग भोजपुरी बेल्ट में गोरखपुर में कर रहे हैं। देखिए कोई खास वजह तो नहीं है, बट हाँ फिल्मों से तो हमेशा से लगाव रहा है, और क्षेत्रीय लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, क्षेत्रीय भाषा के लिए कुछ करने के लिए मेरे थ्रू कुछ हो सके तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, और हम कोशिश करेंगे कि फिल्म के माध्यम से जो हमारे समाज में कुछ त्रुटियाँ होती है इस मैसेज को भी कन्वे किया जाए, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा इंटरटेन के थ्रू, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ होती है तो उसको हमने इंटरटेन के थ्रू, कॉमेडी के थ्रू, रोमांस के थ्रू और एक स्टोरी के थ्रू हम लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोग इन चीज़ों को समझें और थोड़ा सा अपने आप को और ग्रेट करें, इम्प्रूव करें, ये एक मैसेज है हम लोगों का। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारी जो मूवी है पत्थर के सनम, जो हमारे डायरेक्टर है नीरज जी और रणधीर जी, और एक अच्छे राइटर भी है, बहुत सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो मूवी है पत्थर के सनम, मेरा इसकी ओर रुझान इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं नीरज जी और रणधीर जी, ये बहुत ही गुणी और बहुत काफ़ी सीनियर वाले डायरेक्टर हैं, और जब ये राइटर भी काफ़ी अच्छे हैं, इन्होंने जब ये कंटेंट हमारे पास लेके आए तो मुझे इस मतलब स्टोरी में कुछ ऐसा लगा कि आजकल जो हमारे जो भोजपुरी मूवी जो बन रही है तो ये काफ़ी मतलब लोगों इतने वल्गैरिटी के रूप में देखते हैं इसको, मतलब इसमें काफ़ी मतलब आइटम सॉन्ग दे देते हैं, इतने भल्गर टाइप के दे देते कि महिलाएं आ ही नहीं रही है, और एक महिला होने के नाते मुझे ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी और साफ सुथरी, मतलब पूरे परिवार के साथ सिनेमा घरों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे, महिलाएं जाएंगी, ये मुझे अच्छा लगा, तभी मैंने बोला कि चलिए इस प्रकार की मूवी बनाया जाए, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से बनाएंगे ये दोनों। असल में हम लोग प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर हैं लेकिन हमारे खून में भोजपुरी का भाव है, भोजपुरी हमारे नस नस में बसा हुआ है, हम चाहते हैं कि हम चाहते शुरू से ही चाहते थे कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो हमारे क्षेत्र के का हर तबका देखे, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, और ऐसी फिल्म लेकर के आए नीरज जी और रणधीर जी हमारे पास, हमने स्क्रिप्ट को देखा और हमें लगा कि ये फिट है तो हमने डिसाइड किया कि नहीं इसे करना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर हियर। थैंक यू। के हम लोग, हम तीनों बाई प्रोफेशन चार्टर अकाउंटेंट हैं और प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट हैं दिल्ली में, बट फिल्म के प्रति पैशन बचपन से रही है, और नीरज रणधीर नीरज भैया हम लोग के काफ़ी सीनियर मोस्ट हैं, हम पिछले 30 साल से इनको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं,
तो हमें अपने प्रोफेशन से जैसे थोड़ा मुझे स्पेस मिला तो हमने आदित्य जी से काफ़ी पीछे डिस्कस होती थी, पिछले एक डेढ़ सालों से चीज़ें डिस्कस हो रही थी, एक अच्छे स्क्रिप्ट पे काम हो रही थी। तो हम लोग जैसे ही 31 जुलाई से गवर्नमेंट ने, हम लोग बाई प्रोफेशन CA हैं तो थोड़ा सा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, 31 जुलाई को गवर्नमेंट ने एक महीने के लिए एक्सटेंड करी डेट, 31 अगस्त करी। किसी भी चीज़ का स्क्रिप्ट आया, हम लोगों ने स्क्रिप्ट देखी समझी, फिर हम लोग डिसाइड किए पैसन था ही आना था ही तो टाइम निकाल के मुंबई चला जाए और इसकी शुरुआत किया जाए। तो इसमें आदित्य जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इन्होंने फेथ करी और इस इंडस्ट्री में हम लोग को यूनाइट होके नीरज भैया पे हम लोग ये किए हैं। इनको तो हम 30 साल से इन दोनों को जान रहे हैं, जिन लोगों ने इन लोग टेक्निकली कितना साउंड है वो आप लोगों को इस पिक्चर के माध्यम से देखने को मिलेगा। प्लस एक और चीज़ है, हम लोग हमेशा ही डिस्कस कर रहे थे, सुबह हम लोग छोटे बाबा से डिस्कस कर रहे थे उनके रूम पे, जो हम लोगों को फुल इंटरटेनिंग मूवी देनी है जिससे एक जो परिवार के सहित पूरी परिवार फिल्म देखने आए, और हम लोग उपलब्धि इस पिक्चर को मानेंगे जो कम से कम बच्चे और महिलाएं, कोई भी फिल्म या कोई भी आर्टिस्ट तभी सक्सेस होते हैं जब महिलाएं और बच्चे उसको पसंद करने लगे जहां इस पिक्चर देखने जानी है। मेरी छोटी बेटी है 4 साल की, उसको कुछ समझ नहीं है लेकिन वो सलमान खान की फ़ैन है, मुझे नहीं पता क्यों वो कहां से देखती है क्या देखती है, वो टीवी पे ऐड इतने हीरो है, इतने नए ज़माने के हीरो, पता नहीं वो कैसे देखती है क्या समझती है, 4 साल की छोटी बच्ची नर्सरी में पढ़ती है और वो सलमान खान की फ़ैन है। तो ये पता नहीं, ये नहीं कह सकते, हमारा ये प्रयास है और भैया के माध्यम से, भैया के टेक्निक पे, रणधीर जी के टेक्निक पे तो मुझे है ही, हम लोगों को जैसे ही थोड़ा सा स्पेस मिला इंडस्ट्री में आए हैं, और आप लोगों का सहयोग देख के जिन सारे लोगों को मैं आपको जो मैं देखता था मीडिया में स्क्रीन पे देखता हूँ, आज सब लोगों को अवधेश भैया जिस तरह से एक्सेप्ट किए हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए, और थैंक यू वेरी मच। एक अच्छी सा प्रयास है, आप सभी का सहयोग रहेगा, थैंक यू। पाटी जी आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। पत्थर के सलम के बारे में आप ये कहना चाहते हैं, आपने पत्थर जैसी बॉडी बनाई है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने पत्थर जैसी बॉडी बनाई, लेकिन अगर मैं पत्थर जैसी बॉडी भी बना लूँगा तो पत्थर के सलम तो हीरो ही होंगे। मैं हीरो थोड़ी नहीं, हीरो ही होंगे। हाँ पत्थर के नहीं, मेरा तो ये राठी जी, मैं डाइटिंग पे हूँ और डाइटिंग का मतलब होता है डट गई थी, तो उसका प्रमाण आप देखिए। बिल्कुल, हम लोग सब लोग डट गए, ये नहीं है, नहीं वो भी नहीं। हाँ चलिए सर, पत्थर के शरम, पत्थर के शरम जैसा कि नाम है, एक पुरानी बहुत हिट फिल्म थी मनोज कुमार जी की, तब से मैं इनका गाना गुनगुनाता था। लेकिन इस फिल्म से इसका कोई वास्ता नहीं, पत्थर के शरम तुझे मैंने पत्थर का खुदा माना, लेकिन इस फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं। पत्थर के शरम कल्लू की ये फिल्म है और इसके जो निर्देशक हैं, नए निर्देशक हैं, डुओ मतलब दो मिल के नीरज जी और रणधीर जी इसका निर्देशन करेंगे, और ये भोजपुरी के लिए एक उम्दा स्क्रिप्ट है। मैंने स्क्रिप्ट सुनी है, बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि जैसा फिल्म का टाइटल है वो कहानी से बहुत रिलेट करता है, तो आप सब दर्शकों से मेरा अनुरोध होगा कि ये फिल्म जब बन जाए तो प्लीज़ आप सब इसे देखिए। हाँ पत्थर के सनम, सनम कभी पत्थर का हो ही नहीं सकता है, लेकिन यह है पत्थर मतलब हार्ड मतलब कठोर। मैं तो बहुत सॉफ्ट हूँ, तो पत्थर के सनम जैसा टाइटल है वैसा दर्शक बहुत समझदार है और दर्शक लोग समझ भी रहे होंगे कि टाइटल से कल्लू का ही वास्ता होगा, क्योंकि हीरो वही है तो उनका वास्ता है, तो पत्थर के सनम पत्थर है बट अंदर से सॉफ्ट है, नारियल जो ऊपर से सख्त और नारियल वाला पत्थर है। तो बाकी अभी बता दूंगा तो फिर दर्शक लोग देखेंगे क्या है, और मेरा जो हमेशा की तरह जैसे गुदगुदाता रहता हूँ, हंसाता रहता हूँ, गुदगुदी करता रहता हूँ, वैसे उसी में पत्थर को मोम बनाने में मैं एक थोड़ा सा सहयोग करूँ जी। हाँ नहीं सही है, क्योंकि वो हम लोग होने मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो देव नहीं तो पत्थर।
दर्शकों से अनुरोध है कि वो इस फिल्म को बनने में जरूर देखें और अपना आशीर्वाद हम सबको दें। फिलहाल तो जो मुहूर्त हुआ है उसका आशीर्वाद दें, क्योंकि बहुत मेहनत से फिल्में बनती हैं सर, और हम लोग हंसी मजाक में बहुत कुछ उड़ा देते हैं और एक झटके में सब कुछ यस और नो कर देते हैं। तो प्लीज़ 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 ये फिल्म हो या भोजपुरी की कोई भी फिल्म हो, आप लोग ज़रूर देखिए उसको। थोड़ा सा बताओ रिक्वेस्ट आप सभी दर्शकों से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ बिल्कुल, खुशी की बात है कि हर दिन नए लोग, हम तो चाहेंगे कि इंडस्ट्री में मोस्ट वेलकम है। और सबसे पहले सावन के पावन महीना में आप सब मीडिया के धन्यवाद दिल चाहब कि पत्थर के सनम के साथ आप सब पब्लिक तक परोसी ला, आप सबके आशीर्वाद प्यार बा। और हमारा तरफ से ये भोजपुरी फिल्म के जो पत्थर के सनम जोना के नाम बा, एमे मैक्सिमम लोग हमारे मित्र बड़े, हमारा से जुड़े लोग बड़े, और ये फिल्म के हमारे सभी अजीजों में से हैं। मैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और कल सुबह यानी सावन का दूसरा सोमवार है, तो मैं भोले बाबा से भी कृपा करूँ कि हमारे अजीज मित्र जो फिल्म के हिस्सा हैं, हमारे बड़े भाई उदेश जी, छोटू आप छोटा भाई कल्लू, सबके लिए हर हर महादेव है और शुभकामना है इस श्रावण के पावन महीने में। हर हर महादेव। अभी तक तो आप लोगों ने देखा है भोजपुरिया का जो ये है, जो कि अरुण जी हैं, अभी एक नया टाइटल मिला है भोजपुरिया भोसा, जो हमारे रोहित सिंह मटरू जी हैं। हाँ इंडस्ट्री में मुझे इसी फिल्म से पत्थर के सनम के आज ये नवाजा गया है। राज तिलक ने किया लेकिन आज से घोषणा। हाँ हाँ राज तिलक कल्लू जी का था, बट भोजपुरिया मौसा मुझे बना है। आज घोषणा इस बात का कि ये भोजपुरिया दादा और ये भोजपुरिया मौसा मामा भी हो सकता है। मामा को ढूंढिए आप लोग, अभी तो मौसा का हो गया, मौसा का तकमा मिल गया है, तो आप सभी को भोजपुरिया मौसा के तरफ से पत्थर के सनम के सारे टेक्नीशियन, सारे कलाकार अवधेश जी, कल्लू जी और जितने भी लोग हैं, देव जी, सुबोध जी, भोजपुरिया काका जी, सबको बहुत 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 बधाई। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर पत्थर के सनम के बारे में यही कहना चाहूँगा कि उसके डायरेक्टर नीरज रणधीर जी को और प्रोड्यूसर आदित्य झा जी को, पायल जी को, अमित जी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं और बहुत बड़ी हिट फिल्म हो, जिस तरफ से उसका नाम है पत्थर के सनम, उसे पत्थर के मिल की तरह साबित हो, बस यही मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं।